नमस्कार दोस्तों, G20 का समिट भारत में चल रहा है। इसमें हर एक देश के बड़े बड़े प्रेसिडेंट भारत आए हुए, उनकी मेहमान नवाजी के लिए करोड़ों रुपए खर्चा किया है सरकार ने। अब इस पे ही सरकार पे हमला करते हुए सुप्रिया सिन्हाटे ने सरकार को घेरा है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा है, G20 के लिए भारत मंडपम बनाने के लिए लागत 2700 करोड़ रुपए है। जल निकाय का इंतजार नहीं, एक बारिश में ही तबाही मचा दी। मशीनों से पानी निकालने की कोशिश चल रही है। बारिश भी अंतर्राष्ट्रीय देश विरोधी साजिश में शामिल है। कौन है ये भ्रष्ट लोग जो इतना पैसा इकट्ठ कर के इतना घटिया काम करते हैं? सुप्रिया सिन्हाटे ने सरकार को ही घेरा है। सरकार पे उंगली उठाते वक्त सरकार की धज्जियां उड़ा दी है कि G20 की समिट की में इतना पैसा खर्च होने पर भी विदेशी मेहमानों की मेहमान नवाजी नहीं हो रही। आखिर ये पैसा कहाँ गया, ऐसा सरकार को सवाल उठाया है। क्या आपको लगता है ये ठीक है? पूरा का पूरा मंडपम ही पानी के नीचे गया है, मशीनों से पानी निकलना पड़ रहा है, इसमें इतना बड़ा घोटाला है, ऐसा सुप्रिया सिन्हाटे ने सरकार पे इशारा करते हुए सरकार पे सवाल उठाया है। क्या आपको लगता है इसमें भ्रष्टाचार हुआ है? ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नहीं तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए।